जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सईद खान, आपके अपने चैनल एसके ट्रैवलिंग में। तो मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ कि उज़्बेकिस्तान और इजिप्ट की सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और उसके बाद अभी इस वक्त मैं हूँ दुबई इंटरनेशनल सिटी में। दुबई में वापस आ गया था इजिप्ट से, और आज जो है ना, एक साल बाद मेरी जो फ़्लाइट है वो है पाकिस्तान के लिए। एक साल बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, और मैं आज आपको रिव्यू दूंगा PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। तो फर्स्ट टाइम मैं PIA से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बहुत सारी बातें सुनी हैं PIA के बारे में, और अभी तो ये भी सुनने को आया है कि इसको प्राइवेट भी कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि अभी तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ हमारा अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के पास ही लगा दिया। पार्किंग इधर फ्री होती है, आपको पता है दुबई में पार्किंग का बड़ा इशू है। तो कुछ सामान था बाकी गाड़ी में रख दिया, कुछ अपार्टमेंट में रख दिया, तो ये बैग है मेरा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, आहिस्ता आहिस्ता सामने बस स्टॉप है, बस स्टॉप रहेगी यहाँ से राष्ट्रीय मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से फिर मैंने जाना है मेट्रो से, और मेट्रो फिर जाएगी दुबई टर्मिनल 1 पर, क्योंकि जो PIA है ये टर्मिनल 1 से फ्लाई करती है। और मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, ठंडी हवा चल रही है, धूप बड़ी कम है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि PIA का सफ़र कैसा रहता है हमारा। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून। जी तो बोर्डिंग वगैरह मेरी हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो गए हैं। अभी मैं T1 में बैठा हूँ, टर्मिनल में वेटिंग हॉल में बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी 4:15 पर हमारे गेट खुलेगा, अभी तक हमारा गेट नहीं खुला है, बट ये है कि गेट खुलेगा तो फिर जाते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इनके सिस्टम का। 5:45 पे हमारी फ़्लाइट होगी। अब आई डोंट नो कि फ़्लाइट हमारी अपने टाइम पे होती है या फ़्लाइट लेट होती है, एक्सपेक्टेशन तो इतनी अच्छी नहीं है, बट देखते हैं कि क्या बनता है। हमारा गेट जो है D12 है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि सब सही हो। तो थोड़ी सी जो है ना, PIA का नाम सुन के थोड़ा सा काफ़ी जो है ना, मैं नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुना हुआ है कि इनकी फ़्लाइटें ज़रा सही नहीं जाती हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो लेट्स सी, एयरपोर्ट में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के अंदर का T1 का जो वेटिंग हॉल है ये कैसा बना हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, शानदार, जैसे कोई शॉपिंग मॉल होता है। अबू धाबी का एयरपोर्ट खैर वो नया बना है, वो तो बहुत अच्छा था, जो टर्मिनल A है उसका। गेट हमारा ओपन हो गया है, तो D12 गेट है हमारा, मैं अभी गेट की तरफ जा रहा हूँ। चलो जी, अभी हैंड कैरी का दोबारा इन्होंने वेट किया, हैंड कैरी मेरा बहुत हैवी था, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि दोबारा जो है ना हैंड कैरी को किया गया। अब आई डोंट नो कि यहाँ आके फिर तो हैंड कैरी को नहीं करेंगे। तो बस पहली दफ़ा बैठने लगे हैं PIA में, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, अपनी कौमी एयरलाइन में पहली दफ़ा बैठने लगे हैं। एमिरेट्स उड़ रहा है बस, जी तो बैठ गए हैं अंदर। अंदर ठीक है यार, सीटें काफ़ी ज़बरदस्त है, सीट इतनी वो नहीं है, अच्छी है, इकोनॉमी क्लास की टिकट है मेरी तो, सही है सीटें वगैरह इसकी। अंदर का व्यू है, ये सीटें हैं जनाब, लेदर सीट है, सीट बेल्ट, और ये लेग स्पेस है, अच्छा है। ये एयरबस 320 है, एयरबस 320 राइट, इन्हें तो बड़ा जहाज़ है। अब देखते हैं कि इसका सफ़र कैसा है, और अंदर इसके सामान की तो जगह काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पहले आ गए थे, सबसे पहले मैं ही आ गया था, इसी चक्कर में मैंने कहा फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बाद में जब पैसेंजर पैदा हो जाते हैं तो फिर वीडियो बनाने नहीं देते, और लोग फिर माइंड करते हैं, और ये कैप्टन भी फिर मना करते हैं कि वीडियो ना बनाए, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं। 5:45 पे भी जो है ना, इंशाल्लाह हमारी फ्लाइट जो है ना उड़ेगी।
6:35 हो गए हैं और इन्होंने हमें रोज़ा अफ्तारी का सामान दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसमें। देखिए चिकन है, देखिए केक है, सैंडविच है और मैंने जूस मंगवाया है, डेट्स हैं, खजूर, सब का ऐसी है और ये दे रहे हैं सबको। तो अभी पता नहीं कि अफ्तार किस टाइम पे होगा, अफ्तार हम ये देख रहे हैं क्योंकि अभी दुबई का टाइम तो यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि हम अभी इस वक्त ईरान में हैं, मशहद क्रॉस कर रहे हैं और अभी देखते हैं कि शायद ये लोग अजान देंगे या बताएंगे किस टाइम पे अफ्तार करना है। क्योंकि दुबई के हिसाब से 6:36 हो गए हैं, दुबई में तो 6:39-40 पे अफ्तार हो जाता है। यहाँ का नहीं पता कि हमारे पर ईरान का टाइम लगेगा या क्या सीन था। सूरज जो यहाँ से नज़र लिया रहा, हम बादलों के ऊपर हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लैंड हो गए, अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में हैं अभी और बाहर इमिग्रेशन वाली साइड पे मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको सारा बताता हूँ कि फ़्लाइट कैसी थी, कैसा रहा हमारा आज का एक्सपीरियंस और कैसा मतलब एक्सपेक्टेशन थी उस पर पूरा उतरा है या नहीं। तो अभी इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, फिर इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं। जी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, बैग ही नहीं आ रहा, तब तक मैं आपको आर्ट दिखाता हूँ ट्रकों वाला। ये देखें जी, ट्रक आर्ट बनाया हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। सबके बैग आ रहे हैं, एक हमारा बैग नहीं आ रहा। मैं चूँकि पहले बैठा था शायद इस वजह से मेरा बैग नीचे आ गया था, एंड पे आएगा। यहाँ से आ रहे हैं। ये है जी, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। चाहे जनाब बाहर आ गए हैं तो मैं कहीं बैठ के रेस्ट करके फिर मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ कि क्या रहा कैसा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। 1.5 घंटा तो सामान नहीं आया, आ गए मैं आ रहा हूँ उधर से, तो 1.5 घंटा तो हमारा सामान नहीं आया यार, बहुत वेट कराया इन्होंने। चलो अभी बाहर जाते हैं तो फिर मिलते हैं। इधर सीट पर रख दो, इधर रख दो ना। जी तो भाई साहब अभी जा रहे हैं घर, घर जाके रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। पीए का सफ़र बड़ा मज़े करा। ये है नजीब भाई और ये हैं मिस्टर नवीद, अंधेरे में नज़र नहीं आ रही है। तो ये मुझे पिक करने आए थे, तो अभी एयरपोर्ट से हम निकल रहे हैं। यहाँ तो बेल्ट नहीं लगाना, बेल्ट लगाते हैं ना अभी। अच्छा अभी निकलेंगे ना, आप लगा लो। हैं यार मुझे आपको ये हमारा रोड अजीब सा तो लगेगा ना। नहीं अजीब क्या लगता है, क्योंकि हम लोग आप लोग लेफ्ट साइड है, हमारा राइट साइड है। हाँ लेफ्ट राइट का इतना नहीं होता। तो अभी ऐसा है कि फ़्लाइट बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि जब मैं वहाँ से आया तो मैंने ना पीआईए का ना सुना हुआ था कि यार ये पीआईए का ना इतना अच्छा नहीं होता, ये वो। मैं बहुत डरा हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा कि शायद जो है ना इनकी कोई सर्विस इतनी ज़्यादा कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, बट जो है ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सर्विस थी, कैप्टन बहुत अच्छे थे, इनका क्रू बहुत अच्छा था। उसके बाद कैप्टन इसलिए अच्छे थे कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, टेक ऑफ एंड लैंडिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त। इससे पहले मैंने काफ़ी जो है ना ट्रैवल किया है, वेज एयर में, एयर ब्लू में, इतिहाद में, इन सब में मैंने ट्रैवल किया है, ठीक है। सऊदी एयरलाइन में उनका इतना अच्छा जो है ना वो नहीं था, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। जहाज़ जो है ना इनके बहुत ज़बरदस्त थे, अमला भी अच्छा था,
बहरहाल जितना मैंने सोचा हुआ था उससे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। तो आप लोगों को भी ट्रैवल करना चाहिए और हमें भी अपनी एयरलाइन में ट्रैवल करना चाहिए। मेरे जहन में एक मिस प्रिजम्पशन थी कि यार ये अच्छा नहीं होगा, जैसे हम लोगों से सुनते हैं कि ये का बुरा हाल है, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत कंफर्टेबल जहाज़ था। एक तो ये एयरबस थी 320 थी, शायद बड़ा एयरक्राफ्ट था शायद इस वजह से। तो क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी एयरक्राफ्ट में आया हूँ, तो जब ये क्वेटा क्रॉस करता है ना तफ्तान से, क्वेटा में जब ये एंट्री मारता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना ये हिलता है कोई भी एयरप्लेन होता है तो, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा भी इसने फील नहीं कराया। तो इसका मतलब है कि ये इनका जो एयरक्राफ्ट है बहुत अच्छे हैं। खाना जो है ना, खाना इनका बड़ा ज़बरदस्त था। सैंडविच था, एक केक था जैसा मैंने आपको दिखाया, चिकन था, तो सही था यार। लेकिन ये है कि हमने तो रोज़ा रखा हुआ था, अभी फिर भूख लग गई है, अभी कुछ खिलाओ यार, कहीं से आज खाते हैं इंशाल्लाह, कुछ खाते हैं यार, भूख लगी है। कुछ जो है ना पाकिस्तानी टेस्ट जो है ना फ़ौरन आके जो है ना यहाँ खाते हैं, कोई बारबेक्यू टाइप कोई चीज़ खाते हैं। ठीक है, पानी पियो। हाँ, पानी मैंने पी लिया। ये जी क्या बोलते हैं इसको, श्रीनगर से, अभी श्रीनगर आई हुई है ना, श्रीनगर। हाँ, पहले कश्मीर आई हुई थी, अभी श्रीनगर आई हुई। भाई अभी अपनी गली में आ गए हैं, यहाँ पे शवारमे का ऑर्डर किया है, शवारमा खाते हैं, भूख लगी है भाई साहब बहुत ज़्यादा, शवारमा खाते हैं फिर चलते हैं घर। जी तो आज की शॉर्ट सी वीडियो थी, सिर्फ मैं दुबई से आ रहा था पाकिस्तान एक साल बाद, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर कुछ दिन रहना है मैंने, पासपोर्ट भी रिन्यू करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में आप कैसे जो है पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए रोज़ नई वीडियो के साथ नई जगह में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।